1236 संख्या दे रखी है ग्रुप के और बिना ग्रुप के हमें क्या ज्ञात करना है समांतर माध्य भी ज्ञात करना है और स्थिर देव से भी ज्ञात करना है पहले बिना ग्रुप को ज्ञात करेंगे ये दे रखा है आपके x आप तो इसका क्या कर दो समांतर सिग्मा x बटा n कर सकते हो सीधा उत्तर आ जाएगा समांतर माध्य इतनी बड़ी संख्या है अगर आप अगर आप इसका स्क्वायर करोगे संख्या बहुत बड़ी आ जाएगी कैलकुलेटर कर भी लोगे लेकिन फिर गलती भी हो सकती है क्या लेंगे सीधे हम dx लेंगे क्या लेंगे सीधा dx संख्या थोड़ा इजी कर लेते मतलब किसी a को आप आधार मान लो इसको आधार मान लिया मैंने 1500 आधार मानते हुए संख्या निकालेंगे यह आ जाएगी 17 23 20 आप बिना आधार दिए भी कर सकते हो आप बिना आधार दिए भी सवाल करोगे इन सबको जोड़ दो इनका भाग तो भी आ जाएगा इसका स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा आपके ये दे रखा है आपके 13 22 15 17 11 28 20 21 23 7 25 8 19 0 14 13 और कितना हो गया है आपके 18 अब देखो इससे और क्या करेंगे हम dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे ये कितना आएगा आपके 17 कितना होता है 17 का 290 23 का होता है आपके 529 400 169 484 225 290 121 ये कितना होता है 784 ये होता है 28 इंटू 28 28 इंटू 28 484 20 का होता है 400 441 23 का 529 7 का 49 5 25 625 8 का होता है 64 19 का होता है 290 ये होता है 361 होता है फिर 0 196 169 और 300 कितने होते हैं आपके 24 सबको जोड़ो 17 प्लस 23 प्लस 20 और 33 33 हो गए प्लस 37 प्लस 28 प्लस 28 और 20 हो गए 48 प्लस 44 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 14 प्लस 31 ये होते हैं आपके 334 भैया करो 292 प्लस 529 प्लस 400 प्लस 169 प्लस 484 प्लस 225 प्लस 292 प्लस 121 प्लस 784 प्लस 400 प्लस 441 प्लस 529 प्लस 49 प्लस 625 प्लस 64 प्लस 361 प्लस 196 प्लस 179 प्लस 324 ये होता है 6448 सबसे पहले ज्ञात करेंगे समांतर माध्य सूत्र क्या ज्ञात करेगा a प्लस सिग्मा dx बटा n क्योंकि हमने a ले लिया है अगर हम a नहीं लेते इसकी जोड़ लगा दो भाग लगा दो सिग्मा x बटा n कर लो तो भी आ जाएगा इसकी जोड़ करके आप 20 का भाग दोगे तो भी आ जाएगा आपने a ले लिया है इसको साथ में ले लो a कितना लिया हमने 1500 dx कितना है आपके 334 बटा n कितना है 20 334 भाजक 20 प्लस 1500 16.7 आ रहा है 1500 16.7 ये आ रहा है 1500 16.7 अब स्टेडियम क्या है सूत्र क्या ज्ञात करने का सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर फाद सूत्र में रहेगा बस यही इसकी जोड़ कितनी होती है 6448 बटा एन कितना है आपके 20 माइनस 334 बटा 20 ये होता है 6448 बटा 20 ये तो होते हैं 322.4 334 भाजक 20 ये होता है आपके 16.7
घटा कर निकालना है आपको इंटू 16.7, ये हो जाएगा आपके स्क्वायर भी है हो जाएगा 278.92। 322.4 माइनस 278.92 43.51 का निकालना है स्क्वायर रूट 6.596 आ रहा है क्या 6.6 कह सकते हो आप। अब ये तो हुआ आपके बिना ग्रुप बनाए, अब आप ग्रुप बना रहे बनने तो यहां बनाएंगे हम ग्रुप। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम वैल्यू है आपके 1500, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है आपके 1528 हाईएस्ट है और वो है नहीं, सबसे हाईएस्ट है आपके 28। तो हम क्या करेंगे 1500 से लगाकर 1504 1504 से 1500 ग्रुप बनाना है 1508 1508 से 1512 1512 से 1516 1516 से 1520 1520 से हो गया आपके कितना 1520 से 1524 और 1524 से होगा 1528 और 1528 से होगा 1532। अब यहां आपके आएगा टैली मार्क कर सकते हो, टैली मार्क मतलब संख्या 1500 से होगी 1500 1501 1502 1503, चार संख्या आएंगी इसमें 1501 से 1503। कौन कौन देखो आपके 1500 से लगा 1503 तक ये केवल एक संख्या है केवल, ये आ जाएगा आपके एक 1504 से 8 4 से 8 कितना है एक, 4 से 7 ही करना है 8 नहीं करना है, 8 आगे जाएगा एक संख्या है केवल बस और कोई है नहीं, यहां भी आएगी आपकी एक ही लाइन। फिर 8 से 11 क्यों 12 अगला आएगा आगे तक 8 से 11 करना है 8 से 11 ये रहा 1 2 बस 2 संख्या। फिर है 1512 से 16 12 से 15 ही करना है 1512 से 15 12 से 15 1 2 12 से 15 ये कितना हो गया 2 यहाँ हो गए 4 और 2 यहाँ हो कितना हो गया आपके 4। फिर है 16 से 20 16 से 20 अटे ध्यान नहीं देखो 16 से 20 कितने हैं 20 हैं ऊपर 16 से 19 ही देखने हैं 1 1 के बाद आपके 2 2 के बाद है आपके 3 3 और 1 के 4। फिर है 20 से 24 मतलब 20 से 23 देखना 20 से 23 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है 1 2 3 4 5 6। फिर 24 से 27 देखना है 24 to 27 24 से 27 एक वैसे एक संख्या है। फिर है आपके 28 देखना है 28 एक ही है बस एक क्या भी है ये तो कितना होता है। अब वैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 1 1 2 4 4 6 1 और 1 ये होने चाहिए 20 होते हैं 20 1 2 2 4 6 10 4 14 और 6 ये हुआ 1 और 2 1 और 1 2 2 2 4 4 8 8 और 10 10 और 10 कितने हो गए आपके 20 जोर से नहीं। अब x लेंगे x मतलब क्या होगा आपके सेंटर वैल्यू मतलब क्या होगा 1502 1506 1510 1514 1518 1522 1526 और 1530। अब है fx fx ही कर लो आराम से सिंगल ज्यादा है लेकिन कितना होगा 1502 1506
1500 क्या हो गया 3020, फिर 15 14 × 4 6056, फिर 4 × 15 = 18, अथवा डीएक्स देते तो और इजी रहेगा, ये हो जाएगा 6072, 6 × 1572 9432, ये होता है, और फिर ये हो जाएगा आपके 1526 और 1530, 1502 प्लस 1506 प्लस 3020 प्लस 6056 प्लस 6072 प्लस 9432 प्लस, ये सर 9432 की जगह 9132 आएगा, प्लस 1530, ये कितना आता है यहाँ पर 22132, अपन तो 90, 132 आएगी, 300 रुपए कम आप दे लेगा, थोड़ा बहुत करके दे लो, माइनस क्या कर देंगे 300 रुपए कम कर देंगे, यह आ जाएगा 30344। समान माध्य ज्ञात कर क्या कहें तो सिग्मा एफ एक्स बटा एन, 30344 बटा एन कितना है 20, भाजक कर देंगे 20, 1573.2 आ रहा है, 1517.2। अब है आपके एफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसको इससे गुणा करना है, 1502 × 1502 एम प्लस, ये होता है 22 56 004, यहाँ पे डीएक्स निकाल लो क्या छोटी हो जाएगी, डीएक्स निकाल तो ये रहने दो, 1506 × 1506 एम प्लस 22 68 036, 1510 × 1510 ये होता है 22 80 100, 1514 × 6056 ये होता है 91,68,784, 1518 × 6072 ये होता है आपके 92,17,296, 1522 × 9132 ये होता है 1,93,99,004, 1,38,99,000, 1526 × 1526 ये होता है 23,28,676, या 1530 × 1530 ये होता है 23,40,000, एमआरसी 4,37,58,700, छोटी करना चाहते हैं ये ले लो, इसका डीएक्स लेंगे तो आप ये तो जितने क्वेश्चन के इजी हो जाएगा, नहीं ऐसे ही कर लो, इसने सूत्र क्या क्या करने बताओ, फिर अगर अंतर लिया तो फिर आपको पीछे सूत्र लगाना पड़ेगा, आई भी यहाँ पर आई लगाना पड़ता है, अगर आपने अंतर इसमें छोटी की, ये होता है 43,75,58,000, 4,37,58,000, 23,4,37,58,000 58,700, एन कितना है आपके 20, माइनस 30,344 बटा 20 का होल स्क्वायर, 4,37,58,700 बटा 20, ये आ रहा है आपके 81,87,935, माइनस 1517.2 × 1517.2 यह आता है आपके 2301,895, पॉइंट कितना है आपके 84, ये ज्यादा हो गए घटा कर देखो, माइनस 21,87,935, माइनस आगे उत्तर गलती है, तीस हजार 344 भाजक 20
इंटू 1517.2 दो करोड़ 23,01,895। ये जोड़ कितने दिया आपके 4,23,00,000। ये 23,00,000, ये 13,00,000, 1,00,000। चार 37,58,720 क्या जोड़ गलती की हम, यहाँ देखो कितना है 6 × 15 सही है, तो ये तो सही है 1502 × 1502 एम प्लस 2256 चाहते है 1506 × 1506 एम प्लस 2268 सही है 1510 × एक तो कैलकुलेटर काम नहीं करे 1510 × 3020 ऐसे गलती है यहाँ 456,200 1514 × 6056 इकड़ा सही है 1500 ये कैलकुलेटर काम नहीं करेगा ये तो 1518 × 6072 1522 × 9132 फिर 1526 × 1526 फिर 1530 × 1530 फिर MRC यह आता है 460 38 800 460 38 800 बटन नहीं पूरा नहीं लग गया भाजक 20 230 19 40 माइनस 230 18 95.84 ये आ रहा है 44.16 इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट 6.645 आ रहा है।